अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। उनके खिलाफ थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके वकील सरदार अब्दुल रजाक ने बताया कि सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर होने के बावजूद शेख रशीद को इस वक्त जेल में कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। उनके वकील का कहना था कि शेख रशीद को घर के खाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है, घर वालों से इन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमने भतीजे से मुलाकात भी अदालती अहकाम पर करवाई है, इसके अलावा इन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वकील सरदार अब्दुल रजाक ने बताया कि शेख रशीद कौमी असेंबली के हलका ए62 से इलेक्शन लड़ेंगे, आवाम से राबता जारी रखेंगे। उन्होंने कहा शेख रशीद की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है, अब सिर्फ एक केस जो थाना आबपारा में दर्ज किया गया था इसकी जमानत कराना बाकी रह गया है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।